हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कुलदीप सिंह। दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है या फिर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई अपराध के अगर आरोप लगते हैं, तो ऐसे में पुलिस के द्वारा उन आरोपों की जांच की जाती है। पुलिस के द्वारा उन आरोपों की जांच इसलिए की जाती है ताकि ये पता लगाया जा सके उस व्यक्ति ने एक्चुअली में अपराध किया है या फिर नहीं किया है। पुलिस उन आरोपों की जांच में एविडेंस कलेक्ट करती है और एविडेंस कलेक्ट करने में पुलिस के द्वारा अलग अलग प्रकार के एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं। लेकिन जब भी पुलिस अलग अलग प्रकार के एविडेंस कलेक्ट करती है, उनमें से अगर पुलिस के द्वारा जिस व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगे हैं उसके अगर फिंगरप्रिंट्स का एविडेंस अगर पुलिस को लेना हो, तो ऐसे में क्या पुलिस को फिंगरप्रिंट का एविडेंस लेने से पहले मजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी होती है या फिर नहीं लेनी होती है? और अगर पुलिस के द्वारा बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के फिंगरप्रिंट अगर ले लिए जाते हैं, तो क्या वो एडमिसेबल एविडेंस है या फिर नहीं है? वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए डेली लाता हूं। दोस्तों, जब भी किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई अपराध के आरोप अगर लगते हैं, तो ऐसे में पुलिस के द्वारा उन आरोपों की जांच की जाती है और उन आरोपों की जांच में पुलिस एविडेंस कलेक्ट करती है। उनमें से एक एविडेंस है फिंगरप्रिंट। अगर कोई भी व्यक्ति अगर मर्डर करता है या फिर कोई अन्य कोई ऐसा अपराध करता है जिसमें कि फिंगरप्रिंट लेना जरूरी है, तो ऐसे में पुलिस के द्वारा क्या मजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी होती है या फिर नहीं लेनी होती है? दोस्तों, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 के सेक्शन 4 में बताया गया है कि जब भी किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा किसी व्यक्ति के खिलाफ लगे हुए आरोपों की अगर जांच की जाती है और ऐसे में उसे अगर फिंगरप्रिंट लेने की आवश्यकता अगर होती है, तो ऐसे में पुलिस अधिकारी को यह अधिकार है कि वह फिंगरप्रिंट्स ले सकता है। लेकिन अगर कहीं भी यह संदेह हो कि वह गलत तरीके से उनको लिया गया है, उनका सही उपयोग नहीं किया गया है, फिंगरप्रिंट की अगर झूठी रचना की गई है, तो ऐसे में जिस व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगे हैं और उसके अगर फिंगरप्रिंट्स लिए जाने हैं, तो मजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी होती है। तो यह सेक्शन 4 में बताया गया है कि पुलिस अधिकारी कॉम्पिटेंट है, लेकिन अगर कहीं भी यह लगता है कि झूठी तरीके से अगर उनको फेब्रिकेट किया जा सकता है उस एविडेंस को, तो उसके लिए मजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी आवश्यक होती है। दोस्तों, ऐसे ही एक केस में एक व्यक्ति के खिलाफ मर्डर के आरोप लगे थे कि उस व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति का मर्डर किया है, और ऐसे में जब पुलिस अधिकारी के द्वारा जांच की जा रही थी, तो उस व्यक्ति के जिसके खिलाफ के मर्डर के आरोप लगे हुए हैं उसके फिंगरप्रिंट बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के ले लिए गए थे। लेकिन फिर भी ट्रायल कोर्ट ने उस व्यक्ति को जिसके खिलाफ के मर्डर के आरोप लगे हैं उसको डेथ पेनल्टी दी, उसे मृत्युदंड की सजा दी गई ट्रायल कोर्ट के द्वारा। उसके बाद की ट्रायल कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ उस व्यक्ति ने हाई कोर्ट में अपील की, और हाई कोर्ट में यह कहा गया कि जिस व्यक्ति के खिलाफ ये आरोप लगे हुए मर्डर के, उस व्यक्ति का जो फिंगरप्रिंट लिए गए पुलिस के द्वारा, वो मजिस्ट्रेट की अनुमति से नहीं लिए गए थे, जो कि इलीगल है। उसके बाद हाई कोर्ट ने यही माना कि उस व्यक्ति के खिलाफ जिसके खिलाफ मर्डर के आरोप लगे हुए हैं उसके जो फिंगरप्रिंट लिए गए हैं वो गलत तरीके से लिए गए पुलिस ने, और उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा एविडेंस के रूप में। और जिस व्यक्ति को ट्रायल कोर्ट ने मर्डर के केस में मृत्युदंड की सजा सुनाई थी, उसे हाई कोर्ट ने बरी कर दिया और उसे आरोपी नहीं माना। जिसके बाद की हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई, और सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि जिस व्यक्ति के फिंगरप्रिंट के आधार पर ट्रायल कोर्ट ने जिस व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा सुनाई है मर्डर के केस में, उस व्यक्ति को ही हाई कोर्ट ने उन फिंगरप्रिंट को गलत माना और उस व्यक्ति को बरी कर दिया। लेकिन उस व्यक्ति को बरी नहीं किया जाना चाहिए, उसे पनिशमेंट मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 के सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग किसी भी व्यक्ति के अगर जिसके खिलाफ के आरोप लगे हुए हैं, उन आरोपों की जांच में पुलिस अधिकारी को यह अधिकार है कि वह उस व्यक्ति के फिंगरप्रिंट्स ले सकती है, और उस सेक्शन में मैंडेटरी नहीं किया गया है कि पुलिस अधिकारी को पहले मजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी होगी, उसके बाद ही वह फिंगरप्रिंट्स ले सकता है। इसके अंदर सिर्फ यह बताया गया है कि वह व्यक्ति के खिलाफ अगर यह लगे कि उस व्यक्ति के खिलाफ कोई साजिश करके या फिर झूठी तरीके से उसके फिंगरप्रिंट्स लिए जा सकते हैं, तो ऐसे में मजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी होती है। लेकिन पुलिस अधिकारी को भी इस सेक्शन के अकॉर्डिंग यह अधिकार है कि वह बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के भी फिंगरप्रिंट्स ले सकता है, और सभी केसेस में यह मैंडेटरी नहीं है, मीन सभी केसेस में यह आवश्यक नहीं है कि जब भी किसी व्यक्ति के खिलाफ जो आरोप लगे हुए हैं उनकी पुलिस अधिकारी जांच करता है, तो उसके फिंगरप्रिंट्स लेने के लिए पहले मजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी होती है। सभी केसेज में यह जरूरी नहीं है, और पुलिस अधिकारी के द्वारा बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के भी फिंगरप्रिंट्स लिए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में फिंगरप्रिंट्स को सही माना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रत्येक केस में यह आवश्यक नहीं है कि पुलिस अधिकारी के द्वारा जब भी फिंगरप्रिंट्स लिए जाने हो तो मजिस्ट्रेट की अनुमति ले। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में फिंगरप्रिंट्स को सही मानते हुए जो भी हाई कोर्ट ने उस व्यक्ति को बरी किया था, उस ऑर्डर को निरस्त किया और उस व्यक्ति को पनिशमेंट दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।